हेलो फ्यू जोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यू जोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए थाई बीएल ड्रामा डेंजरस रोमांस का एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ टू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एपिसोड में हम देखते हैं कि अपने पापा से गुस्सा होकर कंग शायलम के साथ शहर के बाहर आ जाता है और सोचता है कि अब वो यहाँ से क्या करें। कंग के हाथ में उसके पापा की दी हुई क्रेडिट कार्ड होती है। वो अपने पापा के पैसों पर डिपेंड नहीं करना चाह रहा होता है ताकि उसके पापा ये ना कहे कि कंग उनके बिना कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो कार्ड तोड़ने वाला होता है कि शायलम उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा करने से उसके पापा खुश नहीं होंगे। इससे कंग के दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपने पापा का सारे पैसे उड़ा देगा। वो इस कार्ड से इतने पैसे निकाल लेगा कि उसके पापा को थक हार कर उसे रोकना ही होगा। बेचारे शायलम को कंग की बातें कुछ खास समझ में नहीं आती हैं। वो लोग एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं। कार्ड की लिमिट 20,000 भाट होती है, इसलिए कंग उतने ही पैसे निकाल पाता है। शायलम चोरों की डर की वजह से पैसे को पॉकेट में रखने को कहता है, पर कंग कहाँ उसकी बात सुनने वाला है। यहाँ से वो लोग कोरट के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर कंग का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। दोनों को भूख लग जाती है। कंग के पास अभी बहुत पैसे होते हैं, इसलिए वो शायलम को एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो लोग बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद कंग शायलम को शॉपिंग पर भी ले जाता है। शॉपिंग के बाद दोनों थाई मसाज लेते हैं। मिस्टर कॉन्ग साइफा को बता देते हैं कि कंग शायलम के साथ कहीं चला गया है। साइफा को चिंता करते देख मिस्टर कॉन्ग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे क्योंकि कंग ने पहले भी ऐसा कुछ किया हुआ है। कंग के जब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो शायलम उससे पूछता है कि वो अब आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। कंग कल एटीएम से और भी पैसे निकालने की सोचता उसे हालांकि उसे समझ नहीं आता है कि वो उन पैसों का खर्च कैसे करेगा, इसलिए वो उन पैसों से शायलम के कर्ज भरने को कहता है पर शायलम मना कर देता है। कंग मजाक से हट के शायलम से पूछता है कि अगर कल को उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहेंगे तो क्या शायलम फिर भी उसे पसंद करेगा। शायलम का जवाब बहुत सिंपल होता है कि वो हमेशा उसे पसंद करेगा। शायलम हमेशा सोचा करता था कि अगर उसकी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होती तो क्या होता, क्या उसे कंग का शुगर बेबी बन जाना चाहिए ताकि उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कंग तो खुशी खुशी उसे उसका शुगर बेबी बनने को कहता है, पर आज नहीं कल, क्योंकि आज उसके पास पैसे नहीं हैं। पैसों की कमी की वजह से कंग को उनके लिए सस्ता होटल बुक करना पड़ता है, पर शायलम के लिए ये रूम भी बहुत फैंसी होता है। शायलम इतना थका होता है कि बेड पर लेटते ही वो सो जाता है। कंग अच्छे से शायलम को ब्लैंकेट से कवर करता है। अगले दिन नावा और गाय अपने टीम के साथ कोरट में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कंग प्रैक्टिस के लिए नहीं आता है, इसलिए नावा को लगता है कि वो इस वक्त पक्का शायलम के साथ होगा। गाय और नावा इस बात पर बहस करने लगते हैं कि शायलम और कंग दोनों में से एक दूसरे पर किसका गलत असर पड़ रहा है। कोच उन्हें डांटते और फील्ड का चक्कर लगाने का पनिशमेंट देते हैं। दूसरी तरफ कंग जब पैसे निकालने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उसका कार्ड फ्रीज कर दिया, यानी कि वो अब और पैसे नहीं निकाल सकता। वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए कि तभी उनकी नज़र कुछ बच्चों पर जाती है जो बहुत पुरानी गेंद से फुटबॉल खेल रहे थे। कंग को उनके लिए नया बॉल लेने का मन होता है। शायलम कंग को पहले अपनी चिंता करने को कहता है क्योंकि अभी उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर कंग के पास उसकी बाइक होती है जिसे वो बेचने के लिए निकल पड़ता है, पर दुकानदार उस बाइक के बहुत कम पैसे देने को कहता है। कंग दुकानदार को बाइक के साथ वाली अपनी पिक दिखाता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वो उनकी ही बाइक है, वो चोरी करके बाइक नहीं लाया है। शायलम दुकानदार से बार्गेन करने की कोशिश करता है, पर फिर भी दुकानदार बहुत चिक-चिक करता है, इसलिए कंग अपनी बाइक ओरिजिनल दाम के आधे दाम में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। और उन पैसों से वो बच्चों के लिए ना ही सिर्फ नई बॉल लाता है बल्कि उनके लिए वो नए जूते और कपड़े भी खरीदता है। वो दोनों भी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और उन्हें ड्रिंक भी देते हैं। शायलम के पास बस एक ही ड्रिंक बची होती है, वो कंग को देने के लिए मना कर देता है, इसलिए कंग जबरदस्ती से वो ड्रिंक छीन लेता है और पीने लगता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ जाते हैं। कभी कभी शायलम को समझ नहीं आता है कि कंग के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई भी बच्चों के लिए फुटबॉल खरीदने के लिए अपनी बाइक कैसे बेच सकता है। कंग का मानना होता है कि कई अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, इसलिए वो उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। शायलम को लगता है कि कंग अपने पापा की ही तरह एमपी बन सकता है। तभी बेन नाम का एक बच्चा उनके लिए ड्रिंक लेकर आता है। ये बेन की तरफ से उनके लिए एक थैंक यू गिफ्ट था।
कंग के रिच होने से बेन को जलन होती, इसलिए वो भी सोचता है कि जब वो अमीर बनेगा तो वो भी ऐसा ही करेगा। कंग बेन को करेक्ट करता है कि वो नहीं बल्कि उसके पापा अमीर है। बेन कंग के पापा की तारीफ करने लगता है, इससे कंग को अजीब लगता है। दूसरी तरफ कोच हर एक दो दो प्लेयर को एक रूम दे रहे होते हैं। वो गाय और नावा को एक ही कमरे में रखते हैं ताकि साथ रहने से कम उनकी लड़ाई बंद हो जाए। आज रात कंग के पास पैसे होते हैं, इसलिए वो लोग 5-स्टार होटल आते हैं। शैलम सबसे पहले नहाने के लिए जाता है। बाथरूम का दरवाजा ट्रांसपेरेंट होता है, कंग उसे क्लियरली बाहर से देख पा रहा था, इसलिए शैलम पर्दे लगा देता है। शैलम बाथटब में बैठा ही होता है कि तभी कंग भी उसे ज्वाइन करता है। शैलम को शर्म आती है, इसलिए कंग उसे खुद को पानी में ढके रहने को कहता है। अचानक कंग को ऐसा लगने लगता है कि उसे बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी। उसने अपने पापा से वो बाइक एग्जाम में पास होने के बाद मांगी थी। अभी तक उसके एग्जाम हुए नहीं है और ना ही उसने एग्जाम पास किया, तो कायदे से वो बाइक अभी उसकी नहीं है। कंग वो बाइक फिर से खरीदने के बारे में सोचता है। जो चीज़ उसकी नहीं है उसे वो लौटा देना चाहिए, जिस पर शैलम कहता है कि जो चीज़ कंग की पहले से ही है उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कंग शैलम के पास आकर पूछता है कि वो अपनी बात कर रहा है या फिर बाइक की। बेचारे शैलम को शर्म आने लगती, इसलिए वो खुद को पानी में छुपा लेता है। नहाने के बाद शैलम गाय को और कंग नावा को कॉल करके बता देता है कि वो दोनों कोरट में ही हैं। नावा और गाय दोनों छुपकर बातें करते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे की बातें सुन ना ले। नावा कंग से मिलने के लिए बाहर जाने लगता है। वो गाय से झूठ बोलता है कि वो आज रात जय के साथ रुकने वाला। अगर कोच कुछ भी पूछेंगे तो गाय बोल सकता है कि वो वॉक पर गया है। गाय भी चोरी छुपे शैलम से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बाहर आकर वो देखता है कि नावा तो बाइक से कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा है। दोनों को एक दूसरे को बताना पड़ता है कि वो लोग शैलम और कंग से ही मिलने जा रहे हैं। नावा गाय को उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि आगे का रास्ता कच्चा है और अंधेरा भी बहुत है। गाय थोड़ा सोचता है फिर मान जाता है। गूगल मैप से रास्ता ढूंढने के बावजूद भी वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तभी नावा की नज़र आसमान पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं। वो गाय को भी देखने को कहता है, तभी एक तारा टूटता है। दोनों जल्दी से विश मांगते हैं। तभी उन्हें जय और कोच का कॉल आने लगता है, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है। अगले दिन कंग और शैलम जब बाइक वापस लेने जाते हैं तो दुकानदार उन्हें बाइक देने से मना कर देता है क्योंकि उसने किसी और को ये बाइक 1.5 लाख भाट में देने को प्रॉमिस कर दिया है। अगर कंग को वो बाइक चाहिए तो उसे कल दोपहर तक उतने पैसे देने होंगे, पर कंग के पास इस वक्त 50,000 भाट ही है। दूसरी तरफ शाइफा नीम को जख्मी हालत में अपने दरवाजे पर देखकर चौंक जाता है। नीम शाइफा को उसकी मलहम पट्टी करने को कहता है। मलहम पट्टी करने के बाद शाइफा उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। नीम उसे बताता है कि उसके बॉस ने उसे कर्जदार को गोली मारने को कहा था, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके बॉस ने उस पर गोली चला दी, पर किस्मत से गोली बस उसे छूकर निकल गई। नेम लोगों को पैसा नहीं लौटाने पर सिर्फ उनकी पिटाई करता है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि एक बार अगर वो लोगों की जान लेने लगेगा तो एक दिन उसकी भी जान जा सकती है और नेम उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता है। सैफा नेम को ये काम छोड़ने को कहता है, पर नेम इसी तरह पला भरा, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। नेम सैफा को उसकी ड्रेसिंग करने के लिए थैंक यू बोलकर चला जाता है। रात को कंग और शैलम अपने होटल रूम में होते हैं। उन लोगों ने जो जो सामान खरीदा था उसे बेचने के बाद भी उनको बहुत कम पैसे जुट रहे थे, अभी भी उसे 10,000 की जरूरत थी ही। कंग कल अंकल से फिर से बात करने के बारे में कहता है, उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, पर कंग को नींद नहीं आती है। शैलम के सो जाने के बाद कंग चुपके से उठता है और ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर पैसे का दाव लगा कर स्नूकर खेलते हैं। एक रात में उसके पास इतने सारे पैसे जमा करने का एकमात्र यही रास्ता दिखता है। वो गार्ड को कुछ पैसे देकर आसानी से अंदर घुस जाता है। कंग एक आदमी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है जो कब से जीत रहा था। वो आदमी मान भी जाता है, तभी शैलम भी वहाँ आ जाता है। कंग डर जाता है कि कहीं शैलम उसे रोके ना, पर उल्टा शैलम तो उसे सपोर्ट करने आया होता है। हालांकि दोनों में से किसी को स्नूकर खेलने नहीं आता है, पर शैलम अपना फिजिक्स वाला दिमाग लगाकर कंग को बताने लगता है कि उसे बॉल कहाँ से मारना चाहिए। इस तरह वो लोग जीतने भी लगते हैं।
कई बार खेलने के बाद भी वो लोग सिर्फ 10,000 भाट ही जीत पाते। वो आदमी आगे कंग के साथ खेलने से इनकार कर देता है। वो कंग को VIP रूम के बारे में बताता है, जहां पर वो और भी पैसों में दाव लगाकर गेम खेल सकता है। फिर क्या था, दोनों चले जाते हैं VIP रूम में। इधर मिस्टर कॉन्ग को अभी तक कोई ड्राइवर नहीं मिल पाता, इसलिए वो शाइफा को उसे पिक करने के लिए बुलाते हैं। शाइफा मिस्टर कॉन्ग को सजेस्ट करता है कि क्या वो अपने दोस्त को इस काम के लिए बुला सकता है। मिस्टर कॉन्ग मान जाते हैं। दूसरी तरफ VIP रूम में कंग को एक बच्चा समझकर लोग हल्के में ले रहे होते हैं, पर जब कंग उनको पैसे दिखाता है तो वो लोग कंग के साथ खेलने के लिए मान जाते हैं। कंग यहाँ पर भी शैलम की मदद से बहुत अच्छा खेलने लगता है। ये चीज़ उनमें से एक आदमी नोटिस कर लेता और वो शैलम को इन सब से दूर रहने को कहता। कंग मान जाता और अकेले ही खेलने लगता। वो बिना शैलम के मदद से भी गेम जीत जाता है, उसे पैसे भी पूरे मिल जाते हैं। ये चीज़ उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और वो कंग पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं। वो कंग को दोबारा खेलने को कहते हैं, पर जब कंग मना करते हैं तो वो उसे मारने पर उतर जाते हैं। मौका पाकर कंग और शैलम वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं और उनसे थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। खुशी की बात ये होती है कि कंग के पास अपनी बाइक वापस लेने के लिए काफ़ी पैसे आ गए हैं। वो शैलम को थैंक यू बोलते हैं, पर शैलम को डर होता है कि कहीं दुकानदार आसानी से कंग को बाइक देगा भी कि नहीं। अगले दिन शाइफा बिना बताए नीम को काम के लिए मिस्टर कॉन्ग से मिलवाने लाता है और इस मंथ का कर्ज भी उसे देता है। नीम चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि शाइफा उसे ड्राइवर के काम के लिए लेकर आया है। मिस्टर कॉन्ग जॉब ट्रायल के लिए मान जाते हैं। वो नीम को उन्हें एक मीटिंग के लिए कंग फ्लैट ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। शाइफा जबरदस्ती नीम को भेज देता है, ये बोलकर कि वो फ्यूचर MP के लिए गाड़ी चला रहा। रास्ते में उन्हें बहुत ट्रैफिक मिल जाती है। मिस्टर कॉन्ग को किसी भी हाल 40 मिनट में मीटिंग में पहुंचना, इसलिए वो टेंशन में आ जाते हैं। नीम उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो 30 मिनट में उन्हें मीटिंग प्लेस में पहुंचा सकता है। वो मिस्टर कॉन्ग को दूसरे रास्ते से बहुत स्पीड में गाड़ी चलाकर पहुंचा भी देता है। मिस्टर कॉन्ग इससे बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत उसे काम पर रख भी लेते हैं। दूसरी तरफ दुकानदार सच में कॉन्ग को उसकी बाइक वापस बेचने से मना कर देता है, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने बाइक बेची वो बहुत खतरनाक है। तभी जिन लोगों ने बाइक खरीदी थी वो वहाँ आते हैं। वो लोग वहीं होते हैं जिनके साथ कंग ने कल रात स्नूकर खेला था और उनसे बचकर भागे थे। कंग को देखकर वो आदमी गुस्सा करने लगता है और कल का मामला आज सुलटाने को कहता है। दुकानदार उन लोगों को शांति से बात करने को बोलकर वहाँ से खिसक जाता है। कंग उनके साथ दूसरी गेम खेलने के बदले में अपनी बाइक वापस मांगता, पर वो लोग चाह रहे होते कि कंग उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाए या फिर उसे उनका पैसा लौटा दे। शैलम उन्हें पैसे देकर वापस जाने को कहता है, पर वो लोग कंग को उकसाने लगते, जिससे गुस्सा होकर कंग उन्हें पंच कर देता। बदले में वो लोग भी कंग और शैलम को बहुत मारते और वहाँ से जाने लगते कि कंग शैलम के मना करने के बावजूद भी उसका पैर पकड़कर बाइक वापस मांगने की भीख मांगता है। कंग के लिए मुश्किल होता है, फिर भी वो बाइक के लिए ये करता है। वो लोग फाइनली कंग को उनकी बाइक दे देते हैं। कंग शैलम को उठाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। वो लोग होटल रूम में वापस आते हैं और एक दूसरे की चोट पर दवा लगाते हैं। कंग शैलम को इस उलझन में लाने के लिए सॉरी बोलता है। शैलम को इससे कोई दिक्कत नहीं, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर बाइक कंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसने उस आदमी के सामने हाथ तक जोड़े। कंग उसे बताता है कि उसके पापा ने पहली बार उसे कुछ गिफ्ट दिया। पहले कंग की माँ ही उसके लिए हमेशा सब कुछ खरीदा करती थी, पर उनके जाने के बाद उसने आज तक अपने पापा से कुछ नहीं मांगा। ये बाइक पहली चीज़ है जो उसके पापा ने उसे दिलाई है। वो अपने पापा से इतनी नफरत करता है, फिर भी वो उनकी दी हुई चीज़ों को खुद से अलग नहीं कर पा रहा। शैलम को पता होता है कि कहीं ना कहीं कंग अभी भी अपने पापा से प्यार करता है। कंग अपने पापा को मैसेज करके बताने के बारे में सोचता है कि वो ठीक है, लेकिन शैलम मना कर देता है और उसे बताता है कि उसके पापा की कंग की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे मैसेज किया था और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि वो लोग बिल्कुल ठीक है और उनके साथ क्या हुआ है। कंग शैलम को उसके पापा को इन्फॉर्म करने को कहता है कि वो कल घर वापस आ जाएगा। शैलम उसके पापा को मैसेज कर देता है। कंग के पास अभी भी कुछ पैसे बचे होते हैं। वो शैलम के लिए कुछ खरीदने को बोलता है, पर शैलम उसे उस पैसों को जरूरी काम के लिए बचा कर रखने को कहता है। इसी बात पर कंग शैलम को खरीदने की बात कहता है, क्योंकि शैलम उसके लिए जरूरी है। शैलम बिना कुछ कहे कंग को देखते रहता, फिर वो उसे किस करता और उसे याद दिलाता है कि जो उसने उससे कहा था कि कंग के पास जो है उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर कंग स्माइल करता और शैलम को बेड पर लेटा कर उसे किस करने लगता। आगे क्या होता है ये
ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो इस तरह एपिसोड 7 यहीं ख़त्म होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। बहुत जल्द मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।